बच्चे जब से स्कूल जाने लगे हैं तब से मैं 4 बजे उठती हूँ, और 4 बजे उठ जाने के बाद सुबह जब तक हो जाता है तब तक हमारा काम निपट जाता है, क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम भी जल्दी ही निपट जाता है। जब उठ जाते हैं तब से काम में लगे रहते हैं, तो इसके कारण बहुत जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पर मैं साफ कर रही हूँ चूल्हे को। घर को भी झाड़ू कर देते हैं और बाहर आंगन को भी झाड़ू कर देंगे। सुबह उठ करके सभी काम को एक किनारे से करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। अंदर रूम की झाड़ू हो गई है, अब आंगन को झाड़ू करना है। अभी यहाँ पर बोरा बिछा देते हैं, यहाँ पर निकलने घुसने के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम थोड़ा सा बोरा यहाँ पर बिछा करके ही रखते हैं। अब आंगन को झाड़ू करते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई बच्चे भी नहीं उठे हैं, रोहन भी सो रहा है बहुत ही अच्छा से, क्योंकि अभी 4 बजा हुआ है तो थोड़ा सा उजाला अभी नहीं होता है, रात ही दिखाई देता है, तो अभी कोई नहीं उठे हैं, बस मैं उठी हुई हूँ। घर आंगन सभी जगह झाड़ू हो गया है। यहाँ पर मैं अभी मुर्गी को बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इधर उधर घूमते हैं पूरे घर में। मैं मुर्गियाँ को भी बाहर निकाल दी, उसके बाद देखिए किचन में मैं आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी जिम्मा करके रखी हुई थी टेबल में, और उसके बाद मैं भी पोछ दूँगी इसको, पोछा लगा दूँगी टेबल में। अभी यहाँ पर हम लिपाई कर देंगे, झाड़ू तो पूरे घर और आंगन को हो गया है, लेकिन अभी हम लिपाई करेंगे। लिपाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी का घर है तो थोड़ा बहुत मिट्टी उट्टी भी निकल जाता है, नहीं भी निकलता है, लेकिन चूल्हे के पास लिपाई कर लेते हैं 1-2 दिन में, और कभी कभी तो लगातार ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिपाई कर दिए हैं, और उसके बाद ज़मीन को भी करना है। तो देखिए हम घर को भी लिपाई कर दे रहे हैं, और बहुत ही अंधेरा दिख रहा है। देखिए इस टाइम रोहिणी वीडियो शूट कर रही थी, इस टाइम रोहिणी उठ गई थी मेरे साथ में थोड़ा देरी के बाद, और यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया तो रोहन भी उठ गया। रोहन उठ करके बैठा है, परेशान भी नहीं कर रहा है, और चुपचाप से बैठ करके देख रहा था। इसका नींद अभी अभी खुला है, आँख आँख फार रहा है अभी देखिए। और दोनों भाई बहन बैठे हुए कितने अच्छे से, और बोल रहे हैं कि मम्मी तुम वीडियो बनाओ और काम करो अपना। तो हम बोल रहे थे ठीक है तुम लोग बैठो, हम अभी झाड़ू और लिपाई करते हैं। तो वो दोनों भाई बहन बैठ करके देख रहे थे, हम काम कर रहे थे इसको। अंदर का हो गया झाड़ू लिपाई पोताई सभी हो गया है, अब बाहर का झाड़ू करना है। तो यहाँ पर देखिए बारिश हुई थी आज से पहले, मतलब अभी तो सुबह का टाइम है तो रात में ही बारिश हुआ था, उससे दिन हुआ था वो वहाँ भी कल, मतलब कल भी बारिश हुआ था। तो बारिश होने टाइम में आंधी भी था, तो बहुत ज़्यादा मतलब आंधी था, तो पेड़ पौधे तो गिरे ही थे, लेकिन पेड़ पौधे ये बांस का है ना पत्ते, सभी आ करके हमारे आंगन में मतलब बैठ गया था, तो उसी को हम झाड़ू करके फेंक दिए हैं। अभी साफ सफाई लग रहा है पूरे आंगन,
और उसके बाद हम नहा धो लिए थे और यहाँ पर तुलसी में पानी देने के लिए मैं आ गई हूँ। और रोहन भी नहा लिया था इस टाइम में और वो देखिए पीछे पीछे आ गया है वो भी। तो मैं नहाई थी पहले, उसके बाद चांदनी नहला दी है रोहन को, चेन्नई सॉरी प्रीति नहला दी थी। तो नहाने के बाद ये भी दौड़ गया मेरे पीछे पीछे, मैं भी पूजा करूँगा कह करके। तो मैं इसको कपड़ा भी नहीं पहनाया हूँ, पहनाई क्योंकि हम नहीं नहलाए थे इसको, इसका दीदी लोग नहला दी थी तो वो जीत ही हो रहा था तो लोग भी छोड़ दिए। और यहाँ पर हम पूजा करने आए थे तो ये भी पूजा करने, मतलब पूजा करने जा रहा था। और हम सोमवार जब सावन महीना था उस टाइम हम सोचे थे कि एक नारियल फोड़ दूँगी एक आध सोमवार को, तो मैं नहीं फोड़ सकी तो उसी का मैं आज फोड़ रही हूँ। तो नारियल उरियल फोड़ करके हम पूजा किया, आज सोमवार का दिन है तो सावन में मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं इस सोमवार को, क्योंकि हमारे बहुत सारे घटना घट गई थी, सारे नहीं बहुत बड़ा घटना घट गया था, एक हमारे खानदान में कोई डेट हो गए थे तो हमारे लिए नहीं बन रहा था तो हम नहीं पूजा किए हुए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर दाल पक गया है मेरा, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम घोल करके इसमें नमक वमक सब डाल दिए हैं, बस इसको तड़का लगाना है। तो हम अभी ये दाल को थोड़ा गर्म कर लेंगे, अभी पानी डाले हैं तो इसमें हम सिंपल वाला तड़का लगाएंगे और उसके बाद भुजिया बनाएंगे। और हमारे देसी थाली आज आप लोग भी देख लीजिए कैसे खाते हैं गांव के लोग, साधारण तरीके में और एकदम देसी तरीके में। तो अभी हम थोड़ा सा चाय भी बनाएंगे, नहा धो लिए तो थोड़ा सा ठंड ठंड सी लग रही है, सुबह का टाइम है तो मैं थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। रोहिणी बोल रही है कि मुझे आज दूध वाली चाय चाहिए, तो मैं दूध वाला ही चाय बनाऊँगी। तो दूध पैकेट मंगवाई थी मैं दुकान से, सामने दुकान है, तो रोहिणी चली गई थी अभी, थोड़ा सा उजाला हो गया तो उसके बाद चल गई थी। थोड़ा सा क्या, अभी लगभग 7:30 बजे हुए हैं तो इस टाइम दुकान खुल जाता है, तो चल गई थी दुकान तो लेकर के आई है। और अभी हम इसको डालेंगे पानी गर्म का, वेट कर रहे हैं, पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, हल्का सा उसमें हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे दूध, दूध ये पाउडर वाला। कभी कभी दूध वाला चाय पीने का मन करता है तो इसी को ला करके बनाते हैं। हमारे यहाँ दूध का भी सुविधा नहीं है, गाँव तो है लेकिन गाँव के लोग उतना ज़्यादा अब नहीं रखते हैं गाय, बस बैल रखते हैं अपने खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए, और गाय नहीं रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो खेती में ही वो लोगों को लगता है मेहनत करने में टाइम, और गाय को सेवा करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है तो वो लोग नहीं रखते हैं, इसलिए दूध के लिए हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। और ऐसा गांव है कि पूरा एकदम देहात एरिया में, यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा तो कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई उपाय नहीं है, कहीं दूर जाने का लिए, मतलब कहीं दूर जाएंगे तब भी हमारे लिए कुछ चीज़ का सुविधा होगा। बस डॉक्टर का सुविधा है, वो रोज़ आते हैं जाते हैं, सामने घर है डॉक्टर का। और बाज़ार थोड़ा बहुत सुविधा है एक दो ठो, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब छोटा मोटा बाज़ार लगता है, उतना बड़ा नहीं लगता है। कोई बड़ा सामान खरीदना रहेगा तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, गाड़ी लगा करके, मतलब गाड़ी भाड़ा दे करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पूजा किए हुए थे, चाय चढ़ा दिए हैं, तो अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे और सभी को बांट देंगे। अभी बच्चे भी वेट कर रहे हैं नारियल खाने के लिए, सभी को शौक़ होता है, बहुत अच्छा लगता है नारियल खाना, मैं भी पसंद करती हूँ, सभी बच्चे पसंद करते हैं, तो लोग वेट कर रहे हैं, मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी काटो सभी को बांटो, हम बोल रहे हैं ठीक है। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी बाल उल कंघी कर रहे हैं, उसके बाद चले जाएगी। और अभी हमारा ये बच्चे लोग को भेजने के बाद हम भी खाना खाएंगे, अभी तक हम खाना नहीं खाए थे, तो सभी चले जाते हैं। उसके बाद हम थाली लगाते हैं, देखिए ये है देसी थाली, हम लोग ऐसे ही खाते हैं भुजिया दाल साधारण तरीके में, कुछ और ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो देखिए